तस्वीर में मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा ये शख्स है रिहान। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाला रिहान अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने रिहान पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। रिहान अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों की तरफ भागने लगा। यहां शोर शराबा सुनकर रिहान के कई जानकार मौके पर पहुंच गए। हालांकि जब तक ये लोग यहां पहुंचे, हमलावर यहां से भाग खड़े हुए थे। वैसे घटनास्थल से भागते हुए आरोपियों की 3 स्कूटी यही छूट गई। जीवन में जो हमारा फ्रेंड है उसकी चोट लगी थी, हमने ऑटो करा, ऑटो से हम उसको यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए। फोर्टिस हॉस्पिटल से हमने कंप्लेंट करी कि वी फैम में लड़ाई हो गई, और प्लस उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने भी फ़ोन किया। पुलिस आई थी यहाँ पे? जी सर, पुलिस आई थी। अभी क्या अभी क्या कंडीशन है? क्या उसकी कंडीशन सीरियस है? फोर्टिस से उसको कर दिया ट्रामा सेंटर में। उसके पेट में ज़्यादा चोट लगी है और गले में ज़्यादा चोट लगी है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में रिहान का इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि हमलावर रिहान के जानकार थे और इन लोगों की स्कूल टाइम से ही किसी बात को लेकर आपस में ठनी हुई थी। रिहान को पहले भी लड़कों ने व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी थी। दोस्तों के मुताबिक रिहान ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स।